बिहार राज्य का सहरसा जिला मुख्यालय से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर बाणेश्वर धाम मंदिर है, जिसका काफी प्राचीन इतिहास रहा है। देवना में स्थापित शिवलिंग पुरातत्व विभाग के अनुसार 12वीं एवं 13वीं शताब्दी वर्ष पुरानी है। सावन का महीना शुरू हो गया है। यहां पहली सोमवार को आज श्रद्धालुओं की सुबह से ही काफी भीड़ देखने को मिल रही है। सभी श्रद्धालुओं ने बोलबम का जयकारा लगाया। बाणेश्वर धाम मंदिर परिसर में पुरुष एवं महिला श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने के लिए अलग अलग कतारबद्ध इंतजाम किया गया है। मंदिर कमेटी व्यवस्था को लेकर पूरी मजबूती से लगी हुई है और समय समय पर माइकिंग कर श्रद्धालुओं से अपील कर रही है कि एक दूसरों को सहयोग करते हुए आस्था के साथ पूजा अर्चना करें। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की तैनाती की बात की जाए तो महिला एवं पुरुष पुलिस जवान तैनात हैं। साथ ही बनगांव थाना प्रभारी विनोद कुमार खुद कमान संभाले हुए नजर आए। देवना मंदिर में आप कब से आ रही हैं? जब से मेरा जन्म हुआ है तभी से हम यहाँ आ रहे हैं। ये हमारे पुरखों से ही जुड़ा हुआ मंदिर है। बाकी क्या, बस भोला बाबा ही सब कुछ है। यहाँ आते जाते रहना चाहिए। यहाँ पे विश्वास, भोला बाबा पे विश्वास रखना चाहिए। यहाँ हर सोमवार को कीर्तन भजन होते रहता है और आज तो सावन का पहला सोमवार है, तो कुछ धूमधाम से होना बनता है। भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? भक्तों से यही कहना चाहेंगे, जो यहाँ आते रहिए, भोले बाबा पे विश्वास रखिए, आपका सारा काम सफल होगा। क्या नाम है? मेरा नाम श्रुति वैष्णवी है। आज पहली सोमवार है, यह मंदिर द्वापर कालीन है। बाबा बाणेश्वर बाणासुर के द्वारा यह मंदिर स्थापना किया गया था, भोला बाबा का स्थापना किया गया था। यहाँ पर माँ भगवती भी उपस्थित है वन देवी के रूप में। यह बहुत पहले सुदूर हुआ करता था, यहाँ पर आने जाने की व्यवस्था नहीं होती थी। राजा के द्वारा यहाँ पर 108 बीघा जमीन इस मंदिर को दिया गया था और पुराजपुर से पुजारियों को यहाँ लाकर बसाया गया था। उस दिन से इस क्षेत्र के सभी लोग इस जगह पूजा करने आते हैं। पहले यहाँ पर जाने आने की व्यवस्था नहीं थी, किंतु कालांतर में सरकार के द्वारा, यहाँ के सहयोगों के द्वारा यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की है। अब मात्र यह हाईवे से एक आधा किलोमीटर नजदीक में ही है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से सहरसा जिले के करीब करीब हर गांव से लोग आते हैं, हर जाति हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। जो कोई भी अब सच्चे मन से आते हैं उसका बेड़ा पार होता है। आप सबों से आग्रह कि इस जगह पर आप जरूर आवे। सरकार के द्वारा उदासीनता बरती गई है इस क्षेत्र में। यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इस दरबार के लिए जितना हो सके भक्तों के लिए, जो कि दूर दूर से आते हैं, धर्मशाला का अभाव, शौचालय का अभाव, बरसात में ठहरने का अभाव, खाने पीने वस्तुओं का अभाव, इन सब वस्तुओं को आप ध्यान रखते हुए इस जगह का आप कायाकल्प करेंगे या सच्चे भक्त के लिए आपका काम प्रशस्त माना जाएगा। प्रोफेसर समरेंद्र झा जा।